सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मैं लोगों से मिलूंगा नहीं, मुझे बहुत मजा आता था काम करने में, अब लेकिन मैं हल्के बोर सा होता हूँ। समझते हैं जैसे वो मेरा फोटो क्लिक करते हैं, एक टीचर दूसरी टीचर को बताते हैं कि ये एक्टर है, तो वो फोटो क्लिक कर मेरे प्रिंसिपल मैम को भी पता है कि मैं एक्टर हूँ। कहते कि कभी एक चीज करते ना, मैं कहता नहीं मम्मा मुझसे दोनों चीजें हैंडल हो जाएंगे, मजा आता है। पर एड्स मेरी 40+ है, वेब सीरीज 1 कर चुका हूँ। Hi Shreyansh, welcome to India Forums. Thank you for coming here. Thank you so much. Okay, so now that you have finally wrapped up shooting for Ye Rishta Kya Kehlata Hai, how have you been feeling? बुरा लग रहा है कि 10 months रहते थे और ये मेरा first serial था। अच्छा, first होता है ये आपका? हाँ, पर ads मेरी 40+ हैं, web series 1 कर चुका हूँ। Oh my God, star. Okay, तो जब अभी आप लोगों ने परसों रैप अप किया था शूट, क्या माहौल था सेट पर लास्ट डे, एंड जब आपका लास्ट टेक था, हाउ व्हाट वर यू फीलिंग? सो मैं सैड रोना आ रहा था और बाकी सबका तो सैड ही था, वो भी सैड थे लेकिन वो रुक रहे तब भी। अच्छा, तो आपने मुझे बताया था कि आपका पहले हुआ था टेक, तो जब आपका टेक मतलब आप जब जा रहे थे तो जाते जाते आप किस किस से मिले थे? प्रणाल दीदी से। ओके, हर्षद भैया से नहीं? वो पहले निकल गए थे, उनका जल्द बैकअप हो गया। अच्छा, तो जब जब वो जा रहे थे तो वो आपको मिले थे? हाँ। और व्हाट डिड ही टेल यू जाते जाते? वी विल सी अर्ली। अच्छा, ओके, और प्रणाली दीदी ने क्या बोला था? सेम, वी विल सी अर्ली। अच्छा, ओके, ये बताइए श्रेयांश, व्हाट विल यू मिस शूटिंग फॉर द शो? सबसे ज्यादा शो के बारे में क्या मिस करें? मैं लोगों से मिलूंगा नहीं, मुझे बहुत मजा आता था काम करने में, अब लेकिन मैं हल्के बोर सा होता हूँ, उतना नहीं लेकिन एक आदत हो जाती है ना वैसे। अच्छा, ओके, तो आप ये बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद? सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मस्ती करते थे और कोई टेक गलत हो तो मुझे समझाते थे कैसे करना है। अच्छा, ओके, फेवरेट एक्टर कौन था सेट पर? सारे। ये बताइए, हमें पता चला है कि आपका नाम गोलिया रखा गया, पेट नेम रखा है आपको, दिया है, किसने दिया ये पेट? अभिनव भैया ने दिया था। क्यों दिया था ये पेट नेम उन्होंने? मुझे मस्ती बहुत करते थे तो मस्ती में रखा था मेरा नाम। अच्छा, तो आपको गोलिया बुलाते थे, आपको अच्छा लगता था ये नाम? ओके, प्रणाली और हर्षद के बारे में कुछ अगर सीक्रेट रिवील करना हो तो क्या करेंगे? कोई उनके बारे में कोई एक ऑफ स्क्रीन बात? हाँ, एक है कि वो मुझे बहुत समझाते थे, मुझे हर चीज बताते थे कैसे करना है कैसे, वो खेलते भी थे बहुत अच्छे से, सब कुछ बताते थे। अच्छा, कौन खेलता था, कौन? दोनों? हाँ। ओके, लेकिन आपको ज्यादा स्लाइटली थोड़ा कौन पसंद है, प्रणाली या हर्ष? दोनों। थोड़ा सा ज्यादा? दोनों ही। अच्छा, ओके, ये बताइए दोनों ऑफ स्क्रीन कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जैसे कुछ गलत होता है तो मुझे कभी डांट नहीं पड़ने देते हैं। अच्छा, बताते हैं कैसे कर, जैसे मुझे सर से डांटना पड़े बताते हैं हाउ टू डू, सब कुछ अच्छे से बताते हैं। ओके, हाउ वुड यू डू योर लाइंस, और आपको सबसे ज्यादा सेट पर कौन हेल्प करता था लाइंस करने में? मम्मा सबसे ज्यादा, क्योंकि वही रहती हैं। अच्छा, तो कभी कोई मिस्टेक होती थी या ऐसा कुछ सेट पे? हाँ, तो आपको कभी डांट पड़ी है? लाइंस की वजह से नहीं पड़ी है। तो किस चीज की वजह से पड़ी? कभी कुछ सीन में कुछ गलत कर दिया, हाँ, उतना अच्छा नहीं कर पाया, तब डांट पड़ती है। अच्छा, ओके, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा पैम्पर किसने किया है? प्रणाली, हर्षद भैया, दोनों ने। अच्छा, दोनों ने दाया। हाँ, और जैसे कि ऑफ स्क्रीन जब नियति दीदी, मैं और सईद दीदी और सीन भी होता था तो हमें क्रिकेट खेलते थे, बॉल लाती थी और मैं बैट। अच्छा, हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, तो कभी आपको अगर याद होगा, अभी हमने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू किया था आपके और हर्षद के साथ, तब हर्षद ने बताया था कि है ना मस्ती वगैरह करते थे कभी कभी सेट पर, तो थोड़ा बहुत है ना डायरेक्टर सर आपको डांट देते थे और हर्षद आपका स्टैंड लेते थे, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ मस्ती करते थे आप? दोनों के साथ ही। अच्छा, तो वो मस्ती में उस मिस्चीफ में आपके साथ इन्वॉल्व वो भी होते थे? हाँ। अच्छा, ओके, और ये बताइए स्कूल में जैसे कि हमने अभी बात की थी, अब आप क्योंकि इतने फेमस हो गए, आप तो इतने बड़े स्टार बन गए, तो जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल अटेंड करने जाते हैं, तो आपके फ्रेंड्स और सब लोग आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं? हाँ, देते हैं, जैसे कि कोई कोई जो किसी का अच्छे है वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, ओ, तो आप सबसे फेमस है स्कूल में। हाँ। तो क्या पूछते हैं आपको, आपकी टीचर्स वगैरह कोई पूछता है कि? हाँ, पूछते हैं, जैसे वो मेरा फोटो क्लिक करते हैं, एक टीचर दूसरी टीचर को बताते हैं कि ये एक्टर है, तो वो फोटो क्लिक कर मेरे प्रिंसिपल मैम को भी पता है कि मैं एक्टर हूँ। ओके, तो कभी आपके टीचर्स या आपके
जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स ने पूछा है कि आगे क्या होने वाला है सीरियल में, और आगे अभी क्या क्या होता है सेट पे क्या क्या होता है? मैं तो जल्दी निकल जाता हूँ। अच्छा। मैं एग्जाम के लिए जाता हूँ तो एग्जाम करता हूँ फिर निकल जाता हूँ। अच्छा, तो जब आप एग्जाम के लिए भी जाते हैं तो कोई आपको सीरियल के बारे में नहीं पूछता कि अभी क्या होने वाला है? हाँ, पूछते हैं कि सेट पे कितने लोग होते हैं, पूरी टीम कितनी होती है, कौन क्या होता है, बाकी लोग एक्टर का नाम क्या है, कुछ सीक्रेट बताना ऐसा। अच्छा, ऐसा तो आप बताते हो? नहीं नहीं बताते। अच्छा, तो अब इसलिए हमें भी नहीं बता रहे हो सीक्रेट? नहीं कुछ है ही नहीं बताने की, मैं तो कुछ कहानी बना देता हूँ उनके सामने। ओके, तो क्या कहानी बनाई आपने, हमें कोई कहानी शेयर करोगे? मैं तो बोल देता हूँ कि नहीं नहीं मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अच्छा, और okay. आई पढ़ाई करते हैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, ऐसे रहते हो। ओके, ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ स्कूल और एक्टिंग आपने साथ में मैनेज करने में डिफिकल्टी हुई, कैसे मैनेज किया आपने दोनों? साथ में किया था, एग्जाम करता हूँ फिर एक्टिंग के लिए जाता हूँ, 10 डेज मैंने ऐसे ही किया है। अच्छा, ओके, तो आपको कभी डिफिकल्टी हुई? मम्मा को कभी आपने बोला नहीं मुझसे नहीं हो रहा है? नहीं, मम्मा बोलती है। अच्छा, मुझे उल्टा बहुत मजा आता है। अच्छा, दोनों मम्मा कहते कि कभी एक चीज करते ना, मैं कहता नहीं मम्मा मुझसे दोनों चीजें हैंडल हो जाएंगी, मजा आता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा ज्यादा मजा किस में आता है, एक्टिंग में या पढ़ाई में? एक्टिंग। अच्छा, तो ऐसे जैसे एक्टिंग और इसमें आपका फेवरेट है, वैसे कोई एक्टर्स में आपका फेवरेट नहीं है? चांदी हर्षद भैया। अच्छा, वो दोनों ही हैं? ओके, और बाकी सब भी हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताइए अब आपको बड़े होकर श्रेयांश क्या बनना है, आप कुछ ऐसे सोचा है आपने कभी? डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर? एक्टर ही बनना है? हाँ। किसके जैसे बनना चाहते हैं आप एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऐसे तो कोई नहीं है, बस एक बहुत अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। उनके जैसे बनना चाहते हो? मिले हो कभी उनसे? नहीं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू श्रेयांश। थैंक यू।